हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। झारखंड के एग्ज़ाम्स को लेके सभी के मन में थोड़ी सी डाउट्स है, अटखलिया है, होना भी चाहिए। डेट्स थोड़ा कांस्टेंट नहीं रह रहा है झारखंड की तरफ से, और ये कुछ नया भी नहीं है झारखंड के एग्ज़ाम्स के लिए डेट का आगे पीछे होना। बट एग्ज़ाम्स है वो तो होगा ही, दिसंबर मिड में हो या दिसंबर लास्ट में हो, सो वी शुड कंटिन्यू विथ आवर स्टडीज़। तो हम क्या कर रहे हैं, 1000 MCQ का झारखंड GK का सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, जिसमें 1000 झारखंड के क्वेश्चंस रहेंगे, मे बी इससे ज़्यादा रहेंगे, एक अप्रॉक्स वैल्यूज लिखा हुआ है। और इसके साथ एक्सप्लेनेशन देखते जाएंगे तो रिवीजन भी होते जाएगा और सिलेबस भी कवर होते जाएगा, क्योंकि अक्टूबर मान के ही एग्ज़ाम की तैयारी सबने किया था, तो मोस्टली लोगों का सिलेबस कवर हो ही गया होगा। अगर थोड़े थोड़े क्वेश्चंस देखते जाएंगे तो रिवीजन भी होते जाएगा, एंड दिस इज हेल्पफुल फॉर आवर JSSC JPSC एंड ऑल झारखंड स्टेट लेवल एग्जाम्स। सो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम पार्ट वन करते हैं, 100 क्वेश्चंस आज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्राइबल कम्युनिटी हैड रिवोल्टेड अगेंस्ट कंपनी गवर्नमेंट इन 1820। झारखंड में काफ़ी पहले से ही रिवोल्ट्स चालू थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, जब हमारा नेशनल रिवोल्ट जो बोला जाता है 1857 नेशनल रिवोल्ट, उसके पहले से ही झारखंड में रिवोल्ट ट्राइबल का रिवोल्ट चालू था। तो 1820 में किस ट्राइबल्स ने रिवोल्ट किया था, सो द करेक्ट आंसर इज हो कम्युनिटी। और ये हो कम्युनिटी प्रेजेंट डे कहाँ, अपना कोल्हान वाले क्षेत्र में मिलते हैं, या वेस्ट सिंहभूम बोल सकते हैं इसको, मोस्टली जो इनका डोमिनेंसी है वो वेस्ट सिंहभूम वाले क्षेत्र में है। और रीज़न ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ऑपरेशन जो भी रहता था उसका रीज़न वही था, हाई टैक्स कलेक्शन या फॉल्टी रेवेन्यू सिस्टम उसके कारण ही। और इसको जो सप्रेस किया था ये रिवोल्ट को, दैट वॉज लेड बाई मेजर, कलर चेंज कर लेता हूँ, मेजर रफसेज, ये जो था इस रिवोल्ट को सप्रेस करने वाला था। सो ईयर कम्युनिटी एंड द सप्रेसर, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन झारखंड, फर्स्ट सेंसस कब हुआ था झारखंड में, इट वाज हेल्ड इन 1872, जब पूरे भारत में हुआ था तभी झारखंड में भी हुआ था। विच रेंज ऑफ रॉक्स इज स्केयर्स इन झारखंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन से रॉक्स इंपॉर्टेंट है, इससे झारखंड क्या ज्योग्राफिकल लोकेशन का पता चलता है। ये रॉक्स झारखंड में नहीं मिलने का एक कारण है, दैट इज़ द कडप्पा रेंज। सो बेसिकली कडप्पा जो रॉक्स रहता है इसमें लाइमस्टोन्स या फॉसिल्स पाए जाते हैं, अब चूँकि लाइमस्टोन पाए जाते हैं क्योंकि ये झारखंड में नहीं मिलता है, इसका एक कंक्लूजन ये है कि झारखंड इज ऑलवेज अबव द सी लेवल, इसलिए ये रेंज के रॉक्स झारखंड में नहीं पाए जाते हैं। कडप्पा इज जगह है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे ये रॉक्स इनिशियली मिलते थे, तो उसके बेसिस पे जैसे धारवाड़ रॉक्स का नाम है जो कर्नाटक में मिलते हैं, तो वो कैटेगरी के रॉक्स जहाँ पाए जाते हैं उसको धारवाड़ सीरीज बोलते हैं, जहाँ कडप्पा के टाइप्स के रॉक पाए जाते हैं उसको कडप्पा रॉक्स बोलते हैं। सो दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर नॉट फाउंड इन झारखंड। नेक्स्ट, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर्स ऑफ नॉर्थ छोटानागपुर डिवीज़न, नॉर्थ छोटानागपुर डिवीज़न का हेड क्वार्टर कहाँ है, सो दैट इज़ हजारीबाग। और नॉर्थ छोटानागपुर में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, सो दैट इज़ टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़,
बोकारो एंड धनबाद, और इसका हेडक्वार्टर क्या है? हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल पीपल फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट? कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट मिलते हैं झारखंड में? करेक्ट आंसर इज पलामू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ एनिमल्स? या कैटल फेस्टिवल भी इसको बोलते हैं, तो द करेक्ट आंसर इज सोहराई। और ये सोहराई क्या है? दिस इज ऑल्सो ए हार्वेस्ट फेस्टिवल। और ये कब मनाया जाता है? दिस इज सेलिब्रेटेड आफ्टर हार्वेस्ट एंड, और ये कोइंसाइड कब करता है अपना? जब हम दिवाली मनाते हैं ना, दिवाली के साथ ये फेस्टिवल जो ट्राइबल्स मनाते हैं, दिस इज कोइंसाइडेड विद दिवाली, दैट इज कार्तिक अमावस्या। और ये कौन से जो ट्राइब्स सेलिब्रेट करते हैं? बेसिकली सदान, उराव, मुंडा और संथाल। कार्तिक मंथ में अमावस्या के दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। सो सोहराई इज ऑल्सो हार्वेस्ट एंड कैटल फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मुंडारी टू कोठारी दैट वन साहित्य अकेडमी अवार्ड? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि झारखंड से रिलेटेड है। तो दैट इज मनमासी मुंडू इज द ऑथर ऑफ द बुक मुंडारी टोड कोथारी। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड मैक्सिमम स्पाइसेज आर प्रोड्यूस? झारखंड में सबसे ज़्यादा स्पाइसेस कहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं? सो दैट इज अगेन पलामू। पलामू में सबसे ज़्यादा स्पाइसेस की खेती होती है, मसालों की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज गौतम बुद्ध सेंचुरी लोकेटेड? गौतम बुद्ध सेंचुरी कहाँ है लोकेटेड है? सो दैट इज लोकेटेड इन कोडरमा। वेयर इज बिरसा भगवान बायोलॉजिकल पार्क लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन रांची। रांची में कहाँ? गुरमांझी में, बट रांची याद रखना, डेट इज इम्पोर्टेंट। बिरसा भगवान बायोलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन रांची। हु सप्रेस्ड मुंडा उलगुलान? मुंडा उलगुलान को किसने सप्रेस किया था? और ये मुंडा उलगुलान के लीडर कौन थे? सॉरी, तो द करेक्ट आंसर कैप्टन कमिश्नर फोर्ब्स और कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड थे जिसने मुंडा उलगुलान को सप्रेस किया था। इसके लीडर थे हमारे बिरसा भगवान बिरसा मुंडा। इनका जन्म कब हुआ था? 1874 टू 1900। और ये ठीक है, वट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ जयपाल सिंह? जयपाल सिंह का ओरिजिनल नेम क्या है? दैट इज वेनांत पाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर बेटला नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड एरिया अंडर प्रोजेक्ट टाइगर? करेक्ट आंसर इज 1974। बेटला नेशनल पार्क के बाद में इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? वॉज द बेटला नेशनल पार्क वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया टू बिकम टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। जो ये टाइगर रिजर्व बना था अंडर प्रोजेक्ट टाइगर 1974 में, तो सबसे पहला जो इंक्लूजन हुआ था वो बेटला नेशनल पार्क का ही हुआ था। और इसका लोकेशन ये लातेहार और पलामू दोनों डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। लातेहार में करीब इसका 80% एरिया लातेहार में है और पलामू में अराउंड 20% पलामू में है।
सो दिस इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि प्रोजेक्ट टाइगर में टाइगर रिजर्व बना था प्रोजेक्ट टाइगर में इन 1974. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सीट्स आउट ऑफ द 14 लोकसभा सीट्स इन झारखंड आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स. शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कितने सीट्स रिजर्व है झारखंड में? फाइव सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नर सर्व फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड फ्रॉम मई 2015 टू जुलाई 2021 इन झारखंड? तो द करेक्ट आंसर इज द्रौपदी मुर्मू. शी इज नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड शी वॉज द एट्थ गवर्नर ऑफ झारखंड. मोर देन फाइव ईयर्स इनका कार्यकाल रहा, ये भी इम्पोर्टेंट है. सो द्रौपदी मुर्मू इज द करेक्ट आंसर. विच डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड हैज द मैक्सिमम रिजर्व्स ऑफ माइका? माइका का सबसे ज़्यादा रिजर्व झारखंड में कहाँ पाया जाता है? अगेन इन कोडरमा. व्हेन डिड चेरो ट्राइबल रिवोल्ट टुक प्लेस? इट्स इन 1800 से 1818. चेरो के बारे में एक चीज है कि चेरो रिवोल्ट था एक पहले हुआ था. चेरो रिवोल्ट एक हुआ था 1770 से 1771 के बीच में, जो कि मतलब उसको कहा जाता है थ्रोन ऑफ पलामो के लिए जो हुआ था. ये वाला ये रिवोल्ट क्या था? थ्रोन ऑफ फॉर द थ्रोन ऑफ पलामो. इसमें कौन कौन से रूलर कौन कौन से लड़ाई कर रहे थे? तो चेरो रूलर, एक सेकेंड हटा देता हूँ, चेरो रूलर चित्रजीत राय ऑफ पलामो, चित्रजीत राय और उसको दीवान, दीवान कौन थे? जयनाथ सिंह. ये ब्रिटिश के अगेंस्ट में थे और ये किसको सपोर्ट कर रहे थे? सो दे वर सपोर्टिंग गोपाल राय. ये पहला चेरो रिवोल्ट था और गोपाल राय को सपोर्ट कर रहे थे, बट ये लोग हार जाते हैं और जो इनको सप्रेस करने वाला रहता है तो जैकब कैमेक इनको सप्रेस करता है, बट अल्टीमेटली गोपाल राय को राजा चुन लिया जाता है. सो दिस वॉज कॉल्ड चेरो रिबेलियन. फिर बात आती है चेरो ट्राइबल रिवोल्ट की, जो 1880 से 1818 तक चलता है. और इसके लीडर कौन है? सो इसके लीडर वाज भूखन सिंह. और सेम रीज़न क्या था? हाई टैक्स कलेक्शन बाय द ब्रिटिश, तो उनके अगेंस्ट में ही, उनके पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में ही ये भूखन सिंह ने रिवोल्ट किया था और इसको सप्रेस करने वाले कौन थे? दैट इज कर्नल जोन्स, जिन्होंने इसको सप्रेस किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल राय वॉज कनेक्टेड विथ रिवोल्ट, तो ये बताया हमने दैट इज फ्रॉम चेरो रिवोल्ट ओनली. विच रॉक्स फॉर्म्स द राजमहल ट्रैप्स? राजमहल ट्रैप्स में कौन से रॉक पाए जाते हैं? बसाल्ट. बसाल्ट रॉक्स किससे बनते हैं? जब हमारा वोल्केनिक इरप्शन होता है उसके बाद जो रॉक्स फॉर्मेशन होता है, तो जो अपना राजमहल है वो भी वोल्केनिक इरप्शन से ही बना है. इन द कब बना है? इन द जुरासिक एरिया एंड बसाल्टिक रॉक्स आर फाउंड देयर इन राजमहल ट्रैप. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इन
इनकम्बेंट स्टेट्स एग्जिस्टिंग इन छोटा नागपुर इन 1916। कितने स्टेट्स थे छोटा नागपुर में? सो देयर वर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लीडर ऑफ संथाल हुल रिवोल्ट, वेरी फेमस रिवोल्ट ऑफ झारखंड। संथाल को ही हुल रिवोल्ट भी बोलते हैं, या तो संथाल रिवोल्ट बोलते हैं या हुल रिवोल्ट बोलते हैं। सो इसके लीडर कौन थे? सिद्धू कानू एंड चांद भैरव, ये भाई थे सब। और ये शुरुआत कब हुआ था? 30th of June 1855। और एंड कब हुआ था? इन 1856। इसमें अराउंड सिक्स दे वेर वेरी गुड स्पीकर्स, ये दोनों भाई बहुत अच्छे थे लोगों को इकट्ठा करने में अंग्रेजों के खिलाफ। कहा जाता है कि अराउंड 60,000 पीपल गैदर्ड हुए थे, और जो कि गुरिल्ला वारफेयर में होशियार थे, तो अंग्रेजों के काफ़ी नाक में दम किया था इन्होंने। और अपना 1857 के पहले की क्रांति के पहले झारखंड में ये क्रांति हुई थी, संथाल रिवोल्ट। झारखंड में क्या, इंडिया में जितने भी क्रांति थी मोस्टली सबका रीज़न वही था, हाई टैक्सेशन, इम्प्रॉपर पॉलिसीज, ज़मीन हड़पना। तो संथाल रिवोल्ट भी सेम कारण की वजह से हुआ था। और इनमें दो बहनें भी थी, फूलो और झानो, जो इनकी बहन थी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा, मतलब उनका भी काफ़ी योगदान था इस रिवोल्ट में। नाउ हू परफॉर्म द नटुआ डांस, सो करेक्ट आंसर इज ओनली द मेन्स ऑफ झारखंड परफॉर्म द नटुआ डांस। और इस नटुआ डांस इज ए कह सकते हैं कॉन्फ्लुएंस ऑफ श्रृंगार एंड वीर रस। और ये क्या है? दिस डांस इज ए सिंबल ऑफ ब्रेवरी, बल का बल दिखाया जाता है इसमें अपना। सर पे इसमें ना एक पगड़ी जैसा बांधते हैं, इसको कलगा बोलते हैं, कलगा। और ये बेसिकली आपका कहाँ हो जाता है? पंच परगनिया वाले क्षेत्र में ज़्यादा फेमस है ये। नटुआ डांस इज परफॉर्म्ड बाय मेन। हु वाज़ द फाउंडर ऑफ छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा इन 1938? करेक्ट आंसर है थियोडोर सुरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी SWFA कंस्टिट्यूटेड एज ए नॉन रेगुलेशन स्टेट? कब बना था साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी? सो इट वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1833। इसके पीछे का भी स्टोरी है कि जब बैटल ऑफ बक्सर होता है उसके बाद बिहार बंगाल उड़ीसा का दीवानी राइट्स जो एम्परर रहता है शाह आलम टू के पास चले जाता है, तो मतलब वो भी क्या पपेट रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब इन ईयर्स में भी अपना रेवेन्यू कलेक्शन शुरू कर देता है। बट यहाँ पे काफ़ी, और झारखंड के क्षेत्र में ना रामगढ़ में पहले ये लोग बंगाल से डील करते थे, पूरा झारखंड वाला एरिया, झारखंड बिहार का एरिया। फिर रामगढ़ में इनका एक कैंट था जो अभी भी है, और वहाँ पे इनका जो कमांडर था वो थे टी विल्किंसन। तो पहले ये लोग बंगाल से झारखंड को करते थे, बट यहाँ पे कोल लोगों का काफ़ी मतलब विद्रोह होते रहता था, कोल मूवमेंट था, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि झारखंड से ही अब हम इसको डील करेंगे वहीं पर रह के। तो बाय द रिजोल्यूशन ऑफ 1833 साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी वॉज क्रिएटेड एंड कैप्टन कैमक विल्किंसन वॉज अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल एजेंट टू द गवर्नर जनरल। फिर जो कैप्टन विलियमसन था इनको प्रिंसिपल एजेंट बनाया गया गवर्नर जनरल। सो दिस वॉज क्रिएटेड इन 1833। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि रामगढ़ में
कैप्टन कौन था जब बंगाल से रूल करते थे? कमांडर कौन था रामगढ़ का? सो दिस वाज टी विल्किंसन। ड्यूरिंग सरदारी मूवमेंट इन 1881 द क्रिश्चियन लीडर हैड डिक्लेयर्ड छोटे नागपुर एज बुंडाज नेशन एंड हैड होस्टेड द फ्लैग एट दोईसागढ़ दैट वाज अर्लियर कैपिटल ऑफ नागवंशी। सो कौन थे वो क्रिश्चियन लीडर? दैट वाज जॉन बाप्टिस्ट। और इस सरदारी मूवमेंट कब से कब तक चला था? 1858 टू 1895। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ झारखंड पार्टी इन 1949? सो इट वॉज फाउंडेड बाई जयपाल सिंह मुंडा। और दिस वाज द मेन ऑपोजिशन पार्टी 52 के इलेक्शन में, तो 1952 का बिहार में इलेक्शन हुआ था। सो दिस पार्टी वोन द 34 सीट्स। बट धीरे धीरे फिर जिस रीज़न के लिए फॉर्म हुआ था उससे थोड़ा टारगेट शिफ्ट होते गया, तो इलेक्शंस में सीट्स भी कम होती गई। और इन 1963 मर्ज्ड विथ कांग्रेस। झारखंड पार्टी है बिरसा मुंडा ने ही 1955 में सबमिटेड ए मेमोरेंडम फॉर द क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट झारखंड। जयपाल सिंह मुंडा ने ही 1955 में एक मेमोरेंडम सबमिट किया था फॉर द सेपरेट स्टेट झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैष्णव प्रीस्ट स्टेड इन पंच परगना एरिया फॉर अ फ्यू डेज इन द 16th सेंचुरी टू प्रीच द ट्राइबल्स देयर? सो दैट वॉज चैतन्य महाप्रभु जी। 12,000 या 13,000 इंडोगमस ग्रुप्स ऑफ विच ट्राइब? चेरो ट्राइब के ये लोग ग्रुप्स हैं। 12,000 या 13,000। हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एजेंट टू गवर्नर जनरल ऑफ साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी? अभी कहानी बताया उसमें, तो टी विल्किंसन, कैप्टन विल्किंसन। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ ओल्ड चिकी संथाली स्क्रिप्ट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड से रिलेटेड। पंडित रघुनाथ मुर्मू जी इज द फाउंडर ऑफ ओल्ड चिकी दैट इज द स्क्रिप्ट ऑफ संथाली लैंग्वेज। विच रिलीजियस बुक ऑफ जैनिज्म इज इंक्लूडेड इन वेदास? कौन सा बुक है? अगम शास्त्र, द जैनिज्म बुक दैट इज इंक्लूडेड इन वेदास, अगम शास्त्र। हु वाज द फ्रीडम फाइटर दैट सबमिटेड द मेमोरेंडम टू द प्रेसिडेंट ऑफ झारखंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1955? बताया अभी, जयपाल सिंह मुंडा। हु फाउंडेड अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद इन 1968? इट इज फाउंडेड बाई कार्तिको राव। He was an engineer from Jharkhand and very famous engineer from Jharkhand. इनको नेहरू जी ने वापस लंदन से इंडिया बुलाया था। To which god or goddess is Liloristan temple devoted? That was devoted to goddess Kali. और ये Liloristan temple कहाँ है? कतरास धनबाद में। वेयर वॉज द ऑर्गेनाइजेशन नेम गोल्डन लीग फॉर्म ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? कहाँ बना था? सोचते देवघर। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद देवघर काफ़ी हॉट जगह था जहाँ पे बम बम बनाने का भी ट्रेनिंग दिया जाता था लोगों को। Which tribal caste has the maximum population? Santhal. Santhal has the maximum population in Jharkhand. Next question. इस पर कुछ वन लेटर से कुछ
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से कुछ इजी क्वेश्चंस लगेंगे, बट ऑल आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में बैठने के बाद भी कंफ्यूजन हो जाता है इजी क्वेश्चंस में भी। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन लोकसभा। दिस इज अंडर आर्टिकल 330। अंडर आर्टिकल 330 रिजर्वेशन में प्रोविजन क्या है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ पीपल। और अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली में बात करें तो कौन से आर्टिकल में है ये, आर्टिकल 332 में है प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, आर्टिकल 332। तो अगर स्टेट लेवल का एग्जाम है तो पॉसिबिलिटी है कि असेंबली से भी पूछ सकता है। वट इज़ द रेट पर प्लेट एट विच मील इज मेड अवेलेबल अंदर मुख्यमंत्री दाल भात योजना, कितने रुपये में मिलता था मुख्यमंत्री दाल भात योजना में। करेक्ट आंसर इज ₹5, ₹5 में दाल भात खाना गरीबों के लिए। वेयर इज भद्रकाली टेम्पल लोकेटेड, फेमस टेम्पल ऑफ झारखंड लोकेटेड इन चतरा। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज पालकोट सेंचुरी लोकेटेड, पालकोट सेंचुरी कहाँ है, इट्स लोकेटेड इन गुमला। विच इंस्टीट्यूशन वॉज एस्टैब्लिश इन 1934 बाई कैथोलिक क्रिश्चियन ट्राइबल्स, कौन किसका गठन हुआ था, तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का इन 1934। इन विच बुक ऑफ मलिक मोहम्मद जैसी ए रेफरेंस टू द वर्ड झारखंड इज फाउंड, बुक मलिक मोहम्मद जैसी की फेमस बुक कौन सी, पद्मावत, इसमें झारखंड शब्द का जिक्र किया गया है। मोस्टली मुगल्स के टाइम पे झारखंड शब्द का ही जिक्र किया गया था, और मलिक मोहम्मद जैसी की बुक कौन सी है, पद्मावत। व्हाट इज द टाइटल ऑफ रिलीजियस हेड ऑफ विलेज अंडर मांझी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मांझी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो रिलीजियस हेड जो पूजा पाठ कराते हैं गाँव में कौन आते हैं, इज कॉल्ड नायके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ एनिमल्स, बताया था इट इज सोहराई, हार्वेस्ट एंड कैटल फेस्टिवल ऑफ झारखंड। इन विच ईयर डिड मुगल एम्परर अकबर सेंड मान सिंह एज सुबेदार टू झारखंड, कब भेजा था, 1589। मुगल एम्परर अकबर सेंड मान सिंह एज द सुबेदार टू झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी में किस पोस्ट क्या रैंक दिया गया महेंद्र सिंह धोनी को, ऑनरली लेफ्टिनेंट कर्नल। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट ट्राइबल फ्रॉम झारखंड टू बी ऑनर्ड विद पद्मश्री, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद आया भी है पहले जेपीएससी में मेरे ख्याल से, सो ही इज़ ज्वेल लाकरा, ही वॉज द फर्स्ट ट्राइबल फ्रॉम झारखंड टू बी ऑनर्ड विद पद्मश्री। वॉट इज द रैंक ऑफ झारखंड इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ तसर प्रोडक्शन, तसर प्रोडक्शन में झारखंड का क्या रैंक है, फर्स्ट रैंक, और इसको अभी काफ़ी बढ़ावा भी दिया जा रहा है माइंस में भी इसकी कुछ चल रहा था शायद, मेरे ख्याल से कहीं पढ़ा था मैंने, अपना भारत BCCL तसर प्रोडक्शन के लिए कुछ स्टेप्स भी उठा रही है। सो करेंटली झारखंड इज़ फर्स्ट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ तसर प्रोडक्शन। विच रूलर फ्रॉम उड़ीसा हैज एस्टैब्लिश हिज रूल ओवर ए पार्ट ऑफ झारखंड आफ्टर ऑक्यूपाइंग द सेम, कपिलेंद्र गजपति। क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द ताना भगत मूवमेंट, ताना भगत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय जतराव राव,
झूमर, पाइका, नटुआ एंड अग्नि आर टाइप ऑफ, ये क्या है? सो दीज आर टाइप ऑफ डांस, डांस फॉर्म्स ऑफ झारखंड, अलग अलग रिचुअल्स पे अलग अलग डांस फॉर्म्स चलता है। व्हाट इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन झारखंड? दैट इज लोध फॉल्स। इसकी हाइट कितनी है? 143 मीटर्स। कहाँ है? लातेहार में। लोध फॉल्स इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ झारखंड एंड ये इंडिया का है 21st, आई थिंक 21st हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ झारखंड। नहीं 21st नहीं है, सॉरी, लेटर लेटर। वेर इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च लोकेटेड इन झारखंड? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च ये कहाँ है? लोकेटेड इन धनबाद। सो दिस इज लोकेटेड इन धनबाद। और इसको पहले किस नाम से जानते थे? अभी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च है, पहले इसको सेंट्रल फ्यूल रिसर्च, सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम था पहले। और ये कब फॉर्म हुआ था? इन द ईयर 2007। इसके प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है? AK मिश्रा। इम्पॉर्टेंट नहीं है बट इट इज़ लोकेटेड इन धनबाद। और इसका चेयरमैन पूछे कौन है? सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द चेयरमैन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च इज लोकेटेड इन धनबाद। हु इज़ द फर्स्ट चेस प्लेयर फ्रॉम झारखंड टू बिकम वर्ल्ड चैम्पियन? दीप सेन गुप्ता। ही इज द फर्स्ट चेस प्लेयर फ्रॉम झारखंड टू बिकम वर्ल्ड चैंपियनशिप। इन विच ईयर डिड लांस नाइक अल्बर्ट डेका सफर मार्टिरडम ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर? द ओनली पर्सन हु गेट परमवीर चक्र फ्रॉम झारखंड। सो ही वॉज कहीं शहीद हुए थे तो 1971 की लड़ाई में। एंड ही वॉज फ्रॉम सिमडेगा। नाउ वेयर इज जी ई एल चर्च या क्राइस्ट चर्च लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन रांची। और इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1855 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंड्रू फॉल्स इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? हुंड्रू फॉल कौन सी नदी हुंड्रू फॉल से गिरती है? दैट इज करेक्ट आंसर इज स्वर्ण रेखा और सुवर्ण रेखा। ये कहाँ से निकलती है? रांची में ही नगरी है, वहाँ से निकलती है ये सुवर्ण रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड लेड द फाउंडेशन स्टैंड फॉर अंजुम इस्लामिया एंड मदरसा इस्लामिया इन रांची 1917? सो दिस वाज लेड बाय अबुल कलाम आजाद। जब वो रांची में ही नज़र बंद थे या डिटेन थे या रांची में ही थे वो कुछ टाइम के लिए, तब उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन का फाउंड किया था, अबुल कलाम आज़ाद। वट वॉज द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ खड़कडीहा स्टेट? खड़कडीहा स्टेट जो फाउंडर कौन है? तो हंस राज देव। और कब इस्टेब्लिश हुआ खड़कडीहा स्टेट? तो इन 15th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मंथ इज सरहुल सेलिब्रेटेड एज पर हिंदू कैलेंडर? सरहुल कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो दिस इज सेलिब्रेटेड इन चैत्र मंथ। एक बार हिंदू कैलेंडर शुरू से अंत तक लिख देते हो, शुरुआत का कहाँ से होता है? हिंदू कैलेंडर का शुरुआत चैत से ही होता है, चैत्र, उसके बाद वैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, देन भाद्रपद, उसके बाद अश्विन, आश्विन,
इसको बोलते हैं। इसके बाद कार्तिक मार्ग या माघ बोलते हैं, मार्ग उसको क्या बोलते हैं, मार्गशीर्ष, देन पूष, पौष हिंदी में पौष बोलते हैं, पूष, देन माघ, देन फाल्गुन या फागुन। मैं होली जलता है और हमारा साल खत्म होता है, हिंदू कैलेंडर एंड्स। तो सरहुल कब मनाते हैं, इन द मंथ ऑफ चैत्र, इट इज़ द फ्लावर फेस्टिवल ऑफ झारखंड। सरहुल को फ्लावर फेस्टिवल ऑफ झारखंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस डिड द ब्रिटिश फायर इन द सेम मैनर एज जलियांवाला बाग, झारखंड में किस जगह पे लोग इकट्ठा हुए थे मीटिंग के लिए और ब्रिटिशर्स ने उन पे गोली चला दी थी। ये हुआ था डुम्बारी बूरू, इट इज़ अ ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ झारखंड। ये कब हुआ था, सो द January 9, 1899, मतलब जलियांवाला बाग के पहले ही झारखंड में जलियांवाला बाग हो चुका था। और दिस वाज एसोसिएटेड विथ बिरसा उल गुलाम, बट ये लोग भी मीटिंग कर रहे थे और इन पे फायरिंग किया गया था। सो डुम्बारी बूरू इज द करेक्ट प्लेस। विच रूलर ऑफ खानदेश वॉज गिवन द टाइटल ऑफ झारखंड सुल्तान, झारखंड सुल्तान वहाँ खानदेश का भी राजा जो झारखंड के कुछ एरिया को कवर किया था, दैट इज आदिल शाह टू, आदिल शाह फर्स्ट टू वॉज गिवन द टाइटल ऑफ झारखंड, झारखंडी सुल्तान या झारखंड सुल्तान। विच इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड वंस इन 12 ईयर्स इन झारखंड, 12 साल में कौन सा सेलिब्रेट करते हैं, जानी शिकार, जहाँ औरतें शिकार करती हैं मर्दों का ड्रेस पहन के, ये 12 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है, फिर शाम में उसको ही एज ए प्रसाद बनाया जाता है और बांटा जाता है लोगों के बीच में। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये 12 साल में हो रहा है तो उसका नाम ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, जानी शिकार इज द फेस्टिवल। विथ हुज कोलेबोरेशन द बोकारो स्टील प्लांट हैज बीन सेट अप, बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से बनाया गया, बनाया गया कब, USSR के सहयोग से, और ये कब बना है, इन द ईयर 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट कॉलेज इन झारखंड, झारखंड का पहला कॉलेज का नाम क्या है, सो संत कोलंबस कॉलेज एंड फाउंडेड इन 1859 बाय डब्लिन यूनिवर्सिटी मिशन। ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस मिशन के अंडरगत ये कॉलेज बना था, दैट इज़ बाई डब्लिन यूनिवर्सिटी मिशन इन 1859, संत कोलंबस कॉलेज कहाँ है, हजारीबाग। पतरातु थर्मल पावर स्टेशन इज ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, किस नदी के किनारे हैं पतरातु थर्मल स्टेशन, दैट इज नलकरनी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द कमांडर ऑफ शेर शाह हैड अटैक चेरो रूलर महाराज चेरो पलामू एंड लूटेड हिम, कौन था वो, सो ही वाज खवास खान, और 1538 में महाराज चेरो पे लड़ाई चढ़ाई करके उसको लूटता है कहा जाता है। उसके पास एक हाथी था जो कि सफ़ेद हाथी जिसका नाम था श्याम सुंदर, उसके लिए ये चढ़ाई किया गया था। उसका कहना था कि वो अपने माथे पे धूल भी नहीं लगने देता था, ऐसा मस्त हाथी था वो, तो शेर शाह को चाहिए था तो उसने महाराज चेरों पे चढ़ाई करके, और चढ़ाई करने के लिए कौन सा कमांडर गया था, खवास खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना लॉन्च्ड, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब लॉन्च हुआ, 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019।
वेर इज बिथला नेशनल पार्क? लातेहार। विच रेबेलियन वेर सिद्धू कानू रिलेटेड टू? संथाल रेबेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप प्लेड द मेन रोल इन चुआर रेबेलियन? चुआर रेबेलियन में मेन रोल किसका था? भूमिज, भूमिज जनजाति। और ये चुआर रिबेलियन कब से कब तक चला था? 1769 से 1805 तक। हु वॉज द लास्ट नागवंशी रूलर? लास्ट लास्ट नागवंशी रूलर वॉज श्री लाल चिंतामणि शरण नाथ सहदेव। ही वॉज द लास्ट। और फर्स्ट नागवंशी रूलर कौन थे? फनी मुकुट राय। एंड लास्ट वॉज श्री लाल चिंतामणि शरणनाथ सहदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज द चाइल्डहुड नेम ऑफ बिरसा मुंडा? बिरसा मुंडा जी के जन्म के टाइम मतलब बचपन का नाम क्या था? इसका दाऊद मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेर इज द बिगेस्ट कोल वाशरी ऑफ एशिया लोकेटेड? एशिया का सबसे बड़ा कोल वाशरी कहाँ लोकेटेड है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इन करगाली बोकारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फॉर्मल हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का फॉर्मल हेड कौन होता है? मेयर। मेयर इज द फॉर्मल हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ पारसनाथ हिल? पारसनाथ हिल 1365 मीटर। और जैंस के लिए ये सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। इनके तीर्थंकर जो है उन्होंने यहीं पे समाधि ली है, या उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है ये इसी हिल के ऊपर हुई है, इसी पहाड़ी के ऊपर में। तो ये जैन लोगों का सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण स्थान जैनिज्म के लिए माना जाता है। मतलब ऐसा कहता है कि अगर यहाँ नहीं आया तो उनका जीवन तब तक सफल नहीं होता जब तक वो यहाँ विजिट नहीं करता है। ये है कहाँ? गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इन झारखंड द ब्लैक सॉइल इज फाउंड? ब्लैक सॉइल इज फाउंड राजमहल ट्रैप। ब्लैक सॉइल का एक और क्या बोलते हैं इसको? रेगुर सॉइल। दैट इज वेरी गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। और ये मोस्टली इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं? इन द रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। दैट इज कॉटन इज मोस्टली प्रोड्यूस इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, एंड कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज भी महाराष्ट्र और गुजरात में ही सबसे ज़्यादा हैं। वट वॉज द डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ कोडरमा डिस्ट्रिक्ट दैट रिकॉर्डेड द मैक्सिमम डिकोडल ग्रोथ? कितना डिकोडल ग्रोथ रहता है जो सबसे ज़्यादा था? दैट वॉज 43.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल लोकेटेड? बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल इज लोकेटेड इन होटवार। होटवार का रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज इन झारखंड? तो इट इज अराउंड 1 लाख ईयर BC। जो झारखंड में मैनकाइंड का हिस्ट्री है, अभी जो सबसे पुराना किसको माना जाता है? जो मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, भीमबेटका में जो पेंटिंग्स पाए जाते हैं केव पेंटिंग्स, कहा जाता है कि वो सबसे पुराना है। बट अभी जो रिसेंट रिसर्च हुआ है उसके मुताबिक जो हजारीबाग में ना एक एरिया है इसको विलेज, वहाँ पे जो केव पेंटिंग्स मिले हैं वो कहा जाता है कि इससे भी साल पुराना, मतलब स्टोन एज के टाइम का है, स्टोन एज के टाइम का है। तो झारखंड का हिस्ट्री अराउंड 1 लाख ईयर BC का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द ओरिजिन ऑफ संख रिवर? इट्स इन गुमला। और प्रिसाइसली अगर गुमला में भी पूछे तो लुपुंगत विलेज, लुपुंगत विलेज या लुपुंगत गांव।
इज द ओरिजिन ऑफ संख रिवर। वट वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ रामगढ़ स्टेट? रामगढ़ स्टेट का पहला कैपिटल क्या था? सिसिया। रामगढ़ स्टेट को फॉर्म किसने किया था? हु फाउंडेड द रामगढ़ स्टेट? बागदेव सिंह एंड सिंहदेव, और दोनों नागवंशी स्टेट में ही थे पहले, फिर उन्होंने रामगढ़ स्टेट फॉर्म किया। कब किया? 1368 में। फर्स्ट कैपिटल क्या? सिसिया। सिसिया के बाद उर्दा, उर्दा के बाद बादम, बादम के बाद फिर रामगढ़। रामगढ़ कब शिफ्ट हुआ? 1670 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? झारखंड में लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसका है? कहाँ है? सिमडेगा में। और हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? धनबाद में। वेयर इज इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिस नाम को रांची में। हु लीड द सत्याग्रह इन रांची अपोजिंग रौलट एक्ट? रौलट एक्ट का पूरे देश में विरोध हो रहा था, तो रांची में कौन विरोध कर रहे थे इसको? बृषेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी, देवर अपोजिंग द रौलट एक्ट इन रांची। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज मालूती टेम्पल लोकेटेड? मालूती टेम्पल दुमका, मालू टेम्पल इज लोकेटेड इन दुमका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द ग्लोबल स्किल समिट ऑर्गेनाइज इन झारखंड? ग्लोबल स्किल समिट अब ऑर्गेनाइज हुआ था 10 जनवरी 2019। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो झारखंड से रिलेटेड है, तो थोड़े पुराने हैं, बट एक नज़र रखना इम्पोर्टेंट है अगर कुछ पूछ दिया तो। आजकल ट्रेंड भी चल रहा है, अभी हाल ही में बीपीएससी का क्वेश्चन देखा होगा ही आप लोगों ने, कुछ अलग ही लेवल पे चला गया। दैट इज़ अ गुड लेवल, नॉट अलग लेवल, बट ये सडन ट्रांजिशन है, तो होप जीपीएससी या जीएसएससी में अभी ऐसा कुछ ना हो, बट थोड़ा सा क्वेश्चंस को जो झारखंड से रिलेटेड है वो थोड़े पुराने भी हैं, तो भी एक नज़र रखना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड खेरवार मूवमेंट? खेरवार मूवमेंट को ही सपावर मूवमेंट भी बोलते हैं। कब हुआ था ये? सो इट वाज हेल्ड इन 1868 बाय भागीरथ मांझी। इसके लीडर कौन थे? भागीरथ मांझी। हु इज द ऑथर ऑफ एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका? करेक्ट आंसर इज जे हॉफमैन। एक थोड़ा पहले आ गया खेरवार मूवमेंट, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये कब हुआ था? 1868 में, और इट वाज इनिशिएटेड बाय संथाल ट्राइब, जो सफाहोट थे। दे पॉपुलराइज्ड द कंसेप्ट ऑफ वन गॉड, मोनोथिज्म जिसको बोलते हैं, और सोशल रिफॉर्म, वो इसके जरिए से सोशल रिफॉर्म लाना चाहते थे। और जिनके लीडर थे भागीरथ मांझी, ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द किंग ऑफ संथाल एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। और धीरे धीरे ये मोनोथिज्म से हट से ज़्यादा ये स्ट्रगल अगेंस्ट, मतलब अंग्रेजों के जो वही एविल्स रेवेन्यू सेटलमेंट, उसके अगेंस्ट में ये शुरू हो गया था। दिस इज एन, अगर पूछेगा तो दिस इज ए नॉन वायलेंट स्ट्रगल, दिस वॉज ए नॉन वायलेंट स्ट्रगल लेड बाई भागीरथ मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज घोटुल? घोटुल क्या है?
तो गोटूर इज ए प्लेस फॉर यूथ्स इन संथाल ट्राइब, यूथ्स का एक प्लेस है संथाल ट्राइब में, उसको गोटूर बोलते हैं। विच डांस स्टाइल ऑफ झारखंड है रिसीव नेशनल एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, काफी फेमस है ये झारखंड का, मास्क लगा के करते हैं और मोस्टली फेमस इन सरायकेला खरसावा, दैट इज छऊ डांस। विच टाइप ऑफ झारखंड इज इंगेज्ड इन आयरन स्मेल्टिंग वर्क्स, आयरन स्मेल्टिंग के लिए सबसे पुराना ट्राइब असुर, असुर ट्राइब इज इंगेज्ड इन आयरन स्मेल्टिंग वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इन हुज पीरियड द कैपिटल ऑफ रामगढ़ इज शिफ्टेड फ्रॉम बादम टू रामगढ़, अब बादम से रामगढ़ किसके समय शिफ्ट किया गया था, दलेल सिंह के टाइम पे बादम से रामगढ़ शिफ्ट किया गया था और 1717-72 में तेज सिंह के टाइम पे इचाक को बनाया गया था कैपिटल, इचाक वॉज मेड द कैपिटल। ऑन विच रिवर वॉज मैथन डैम बिल्ट, मैथन डैम बिल्ट इन बराकर रिवर, कब बना है 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिसाइडेड ओवर द झारखंड रीजनल इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज इन रांची इन 1978, राधा कृष्ण प्रिसाइडेड ओवर द कॉन्फ्रेंस। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीट्स इन विधानसभा हैव बीन रिजर्व फॉर एससी इंडस्ट्री, ये हमने पहले डिस्कस किया आर्टिकल 332 और 330 में लोकसभा में, 332 में विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ झारखंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ ये वाला डिस्टेंस ऐसे झारखंड का कितना है, दैट इज 380 किलोमीटर्स। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ DVC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन है जो कि दामोदर जो नदी है उसको सौरव बंगाल भी कहा जाता था, दामोदर नदी बंगाल में बहुत बाढ़ लाती थी तो उस दामोदर नदी पे ही फिर डैम्स बना के उसको यूटिलाइज किया गया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसके लिए जो कॉरपोरेशन गठित हुआ था उसका नाम क्या था, DVC, दैट इज दामोदर वैली कॉरपोरेशन ऑन द USA में टेनेसी वैली कॉरपोरेशन के तर्ज पे यहाँ पे दामोदर वैली कॉरपोरेशन का गठन हुआ था। उसके पहले चेयरमैन कौन थे, फर्स्ट चेयरमैन वॉज एंड्रयू डब्ल्यू लैंगस्टी, इम्पॉर्टेंट है याद रखने लायक है, इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ DVC। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द विलेज इन हो ट्राइब गवर्नेंस सिस्टम, हेड ऑफ द विलेज कौन, मुंडा हो ट्राइब्स में। हु एस्टैब्लिश्ड द सोनो संथाल समाज, सोनो संथाल समाज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय शिबू सोरेन। सो आई थिंक दिस इज द 100 questions, फर्स्ट 100 questions, ऐसे ऐसे और सीरीज लेकर आऊँगा एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं झारखंड में, झारखंड पुलिस प्रीवियस JPSC JSSC, तो झारखंड इससे बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। और JSSC अभी नया वैकेंसी आया वो इंटर लेवल वाला, वो भी CGL JPSC, क्योंकि JPSC में झारखंड का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, 200 नंबर का तो एक सेपरेट पेपर प्लस जो कॉमन है उसमें से भी 10-20 क्वेश्चन, तो अराउंड 225 क्वेश्चन मार्क्स तो झारखंड से ही आ जाता है। तो छोटे से लेके बड़े इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है JPSC के लिए, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकता है।
वो धीरे धीरे रिवाइज करते जाएंगे, इट विल बी वेरी इजी। और अभी तो जीएसएससी पे ही ध्यान देना है कि ऑलमोस्ट दिसंबर 16 तो डाउटफुल ही है, बट दिसंबर लास्ट तक या जैन फर्स्ट वीक में तो एग्ज़ाम हो ही जाएगा 100%। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, वेलकम विद द नेक्स्ट 100 questions। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्टडिंग एंड डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।